नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वा न्यूज समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। आइए अब नजर डालते हैं बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। रंका अनुमंडल से आकाशदीप का रिपोर्ट। रंका अनुमंडल मुख्यालय के रंका शहर में दोनों मंडल के द्वारा महामंत्री बसंत प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने का मुख्य कारण है कल रांची के मोरहाबादी में जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा की रिजल्ट में गड़बड़ियों का विरोध कर रहे छात्रों और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भानु प्रताप शाही और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी पर निर्दयता पूर्वक लाठीचार्ज प्रशासन के द्वारा करवाया है, उसका हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घोर निंदा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थिति दोनों मंडल के युवा अध्यक्ष बलराम यादव और संतोष चंद्रवंशी, सांसद प्रतिनिधि कमलेश नंदन सिन्हा, जिला पार्षद मुरारी यादव, जिला मीडिया प्रभारी उत्तम पांडे, सच्चिदानंद तिवारी, रविंद्र प्रसाद, मनोज दुबे, उपेंद्र प्रसाद, दिनेश चंद्रवंशी, रमेश यादव, गिरवर यादव, राजेश गुप्ता, संतोष तिवारी, उदय यादव, बंसी यादव, ललित राम एवं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु उपस्थित थे। धन्यवाद। कल रांची में जेपीएससी के द्वारा जेपीएस छात्र में जो घोटाला हुआ था उस पर वार्ता करने के लिए जेपीएससी अध्यक्ष बुलाए हुए थे, जिसमें हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल वगैरह सारे लोग जब जेपीएससी जा रहे थे तो उन पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज करके और मामला को ही किया गया, उसी को आज हम लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध करके झारखंड के भ्रष्टाचारी सरकार हेमंत सोरेन के सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं।